कि अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आप घर पर कब तक रह सकते हैं, कब तक घर पर रहकर अपना ध्यान रख सकते हैं और किन लक्षणों को देखने के बाद आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप? मुझे आपकी फिक्र है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे जी न्यूज़ पर कोरोना वायरस पैंडेमिक में दूसरे स्टेप में हाई लेवल की तरफ जा चुका है। ईश्वर न करे अगर हमें या हमारे अपनों पर यह मुसीबत आए तो हम इसका कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि अचानक फिर कुछ समझ में नहीं आता। आगे वीडियो में सुनेंगे देश के तीन बहुत ही मशहूर नेम फेम डॉक्टरों को। दोस्तों, लास्ट में फिर मिलेंगे, आइए वीडियो देखते हैं। यानी कोरोना संक्रमित होने पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, इसे और आप पेन और पेपर लेकर इस जानकारी को नोट कर सकते हैं। अगर संक्रमित होने के बाद आपको मामूली लक्षण है तो आप घर पर ही रहकर अपना ध्यान कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार बड़ी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, खुद को एक अलग कमरे में आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए और ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम हो। दूसरी बात, अगर हल्का बुखार है या फिर बुखार थोड़ी थोड़ी देर में आपको आ रहा है तो आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। तीसरी बात, दिन में 10 से 15 बार बुखार और ऑक्सीजन सेचुरेशन जरूर चेक करें। आप चाहें तो इसके लिए हर एक घंटे के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन में एक अलार्म लगा सकते हैं। अगर आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल 94 से 100 के बीच है तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कम होने पर जैसे ही 94 से नीचे जाए आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। चौथी बात यह है कि तरल पदार्थों का खूब सेवन करें, लिक्विड्स, और दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। कोई भी लिक्विड आप लें लगातार और पानी तो खूब सारा पिएं। मामूली लक्षण होने पर आपको क्या नहीं करना है अब यह समझिए। आपको कोई भी दवाई जैसे स्टेरॉइड्स और रेमडेसिविर बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आप यह समझिए कि वायरस के लक्षण गंभीर होने पर आपको क्या करना है। तो अभी तक अगर आपके लक्षण माइल्ड हैं, मामूली लक्षण हैं, तो आपको क्या करना है ये बताया, लेकिन अगर आपके लक्षण गंभीर हैं, ज्यादा हैं, तो आपको क्या करना है। पहली बात, अपने डॉक्टर के संपर्क में हर समय बने रहें। आप चाहें भी अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर वायरस आप पर ज्यादा असर कर रहा है तो आपको 5 से 7 दिन तक तेज बुखार आएगा और ऑक्सीजन लेवल भी 94% से नीचे रहेगा। इसलिए बुखार और ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहें। तीसरी बात, अगर ऑक्सीजन लेवल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है तो आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ये वो कट ऑफ पॉइंट है जब आपको अस्पताल और बेड की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप पहले से यह तय करके रखिए कि आपके घर के आसपास कौन सा अस्पताल है, पहले से बात करके रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके में कौन कौन से अस्पताल हैं, उनमें बेड्स की जो स्थिति है वो कहाँ है, वेंटिलेटर वाले बेड कहाँ पर मौजूद हैं, ऑक्सीजन वाले बेड कहाँ पर मौजूद हैं, ICU वाले बेड कहाँ पर मौजूद हैं। ये सब जानकारी पहले से लेकर रखिए और कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपको किसी भी अस्पताल में ये बेड मिल जाए। और आखिरी बात यह कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सरकारी एजेंसियों से संपर्क करें। ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए जो आपसे ज्यादा पैसे की मांग करके आपको लाइनों में लगवा दें और इससे आपको समय पर ऑक्सीजन ना मिले। पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और इस समय पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। समय आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन मिल जाए। वायरस के लक्षण गंभीर होने पर आपको क्या नहीं करना है अब ये नोट कीजिए। पहली बात वही कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी मत कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी से मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर जा रहे हैं और इंटरनेट पर वो खोजते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेंसी लीजिए या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पर बात कीजिए। दूसरी बात यह, अगर आपने घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ली है तब भी आप मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की ही कोशिश करें, क्योंकि इसमें जरा सी भी चूक मरीज की जान ले सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में घर पर ही इलाज ना करें, चाहे आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पर भी मौजूद हो तो भी। अब आपको जल्दी से ऐसे लक्षण बताते हैं जिनके दिखने पर आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना होना है।
अगर ऑक्सीजन लेवल का स्तर लगातार गिर रहा है तो आपको अस्पताल जाना है। अगर बुखार 5 से 7 दिनों तक भी नहीं उतर रहा तब आपको अस्पताल जाना है। सीने में दर्द होने और सांस लेने में लगातार तकलीफ होने पर आपको तुरंत अस्पताल जाना है। अगर डायरिया है तो भी आपको इसे हल्के में नहीं लेना है और सीधे अस्पताल में जाकर इसका इलाज करवाना है। ये तो वो तमाम जानकारियां हैं जिन पर अमल करके आप इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। हमें लगता है इस समय आपको सही जानकारी की वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए अगर आप इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो कई लोगों की इससे मदद भी हो सकती है। और जानकारी का ही ये पूरी सबसे बड़ी चुनौती है, देश के लोगों को सही जानकारी कैसे मिले। और आज इसके लिए एक प्रयोग किया गया। आज पहली बार ऐसा हुआ जब देश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के 3 बड़े डॉक्टर एक साथ एक मंच पर आए और उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर देश के लोगों से बातचीत की। और ये 3 डॉक्टर हैं एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और मेदांता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन। ये देश के वो बड़े डॉक्टर्स हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है जब सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक बड़ी चुनौती के लिए मिल गए हैं। लेकिन आप ये सोचिए, क्या हमारे देश के नेता कभी ऐसा करेंगे? जवाब है शायद कभी नहीं करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि एक दिन ऐसा भी हमें देखने को मिले जब हमारे देश के नेता सरकार के और विपक्ष के वो एक साथ एक मंच पर आएं और लोगों को ऐसे ही संबोधित करें जैसे आज ये 3 डॉक्टर्स कर रहे थे। इफ यू हैव एनी सिम्टम लाइक बॉडी एक, फीवर, कोल्ड, कॉफ, एनीथिंग और इंडिजेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, व्हाटएवर प्रॉब्लम यू हैव, I have one important message. Please get yourself tested for COVID. That is the most important thing you need to do. For whatever reason, if you are not able to get the test done on the same day, please isolate yourself, because if you turn out to be positive, you don't want to end up infecting all your family members. And drink plenty of water and always wear a mask. Always wear a mask. That is very important. Don't panic. COVID is very common now, and it is a problem which can be solved provided you get the medical help at a very early stage and follow all the instruction given by the doctors. I expect every citizen of this country now to, at least every household, to have at least 1 or 2 pulse oximeters, which are freely available and they are not very expensive. And believe me, they are very reliable. And check your oxygen saturation at least once in 6 hours. And after you check it, again walk for 6 minutes and then again you check your oxygen saturation. If your oxygen saturation is staying above 94%, no problems. But if it is falling after the exercise, then you need to call your doctor. It's very, very important that you get the right treatment at the right time. Very few percent will require hospitalization. And as you realize, there is a responsibility that hospital beds are always not available and there is a constraint. So we must utilize those hospital beds judiciously and with responsibility. And that responsibility rests on all of us. The citizens, the doctors, the hospital providers, and then, of course, intensive care unit for those very few people who may need to go to. But today, you must be feel comfortable with the fact that you will have a very high chance that you'll get cured. So don't panic and don't have so much anxiety that you get confused on the pathway that you have to follow. Now, you may have heard there was a shortage of remdesivir available. So I want to address the fact, when do you need remdesivir? We have now made a protocol that remdesivir is to be given not to everybody who will test positive. And that misconception I would like to take out of people's mind. Only the doctor will look at a set of test results and a set of symptoms which show that a person is experiencing a viral load which is giving them high fever, they are vulnerable population,
like people who have liver disease, who have kidney disease, people who are on chemotherapy but from cancer, the highly diabetics, obese people. People who have BMI greater than 35 are the ones who are most vulnerable. And people who are showing signs of cough, fever, which is not responsive to other medicines. So in the first few days of the illness, if the doctor feels appropriate, only then remdesivir is to be given, and not to be given to everybody. It is not a Ramban, and it is only effective in decreasing the viral load in the people who need it. Don't rush to the hospital just because you have tested positive. You will be taken care of or will be given beds if everybody participates responsibly in this and the doctor prescribes that, yes, it's time to bring you into the hospital. Same advice we are giving to all our doctors also, to take care of patients properly. When they need it, only then advise that they should come into the hospital. There is no such thing as preventive hospitalization. In COVID-19, and we have now enough data that more than 85% of people will recover without any really specific treatment in the form of remdesivir, steroids, or any other drugs that we are talking about. Most of them will have features which will be like a common cold, body aches, fever, sore throat. Some may have gastritis, and over a period of 5 to 7 days, they will recover with just symptomatic treatment, which means just taking paracetamol, keeping yourself hydrated, doing your regular exercise, taking your vitamins, and just being positive about your health. It's only 15% of people who may go on to what we call moderate disease, where your oxygen saturation may fall or you may have high-grade fever, and there may be markers to suggest ongoing inflammation. तो ये देश के तीन बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स की राय आपने सुनी, ये कपड़े और बर्तन बाकी के परिवार के लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको उस समय कोई ऐसी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपके मन में अजीब कन्फ्यूजन की स्थिति होने लगती है, दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है, कन्फ्यूजन रहता है, या फिर आपको बोलने में दिक्कत आने लगती है, आपको स्लरिंग होने लगती है, तो भी आप समझ लीजिए कि ये संकेत ठीक नहीं है आपके लिए। अब आपको ये बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद देश में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आजकल आप लगातार ये बातें सुन रहे होंगे कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमारे देश में कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, और ये वैक्सीन जो है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये भी आपको संक्रमण से नहीं बचा पा रही है। तो जिन, और ये सही है, बहुत सारे लोगों को संक्रमण हुआ है, लेकिन वो आपके सामने ऐसे पेश किया जाता है जैसे आपको ऐसा लगने लगे कि पूरे देश में ही लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। तो हम आपके सामने आज कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं। 20 अप्रैल तक इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने वैक्सीन ली है, चाहे पहली डोज ली है या दूसरी डोज ली है, चाहे कोवैक्सीन ली है या कोविशील्ड ली है, तो आपके संक्रमित होने के जो चांसेस हैं, जो दर है, वो इस हिसाब से 0.04% है कोवैक्सीन के मामले में, और 0.02 या 0.03% है कोविशील्ड के मामले में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके प्यार की हमें नीड है, और बेल आइकन घंटी पर जाकर ऊपर से पहली बेल ऑन कर लें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो पहले पहुंचेंगी आप तक। जय हिंद।